वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोहेल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के अबाउट जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। ये नादरा वालों की एप्लीकेशन है। ये बहुत दिन इसको हो चुके हैं, काफ़ी दिन यानी कि कुछ ही दिन हो चुके हैं लॉन्च हुए। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है जिस पे आप घर बैठे अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, सब कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे आपने आईडी कार्ड वगैरह सबसे मेन चीज़ होती है। यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप घर बैठे सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप घर बैठे हर चीज़ मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे। यहाँ पे अगर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इस एप्लीकेशन से करवा सकते हैं, जो आपके आईडी कार्ड पर होते हैं। यहाँ पे आप जो वेरिफिकेशन होती है फिंगर की, ये ऑनलाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो फेस की पिक्चर है ये यहाँ से डायरेक्ट हो सकती है, यानी कि घर बैठे आप सब कुछ अपने ही मोबाइल पे कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको जाना पड़ता था, नादरा के ऑफिस जाना पड़ता, लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे, लाइन में खड़ा होना पड़ता था और बहुत सा टाइम जो है आपका पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता था। सबसे पहले मैं आपको इस पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि आपने इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद सारा प्रोसेस समझाऊंगा, क्योंकि इस पे सबसे मुश्किल होता है इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इस पे अकाउंट क्रिएट कैसे करें। आपने इसको डाउनलोड कर लेना, मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस एप्लीकेशन का, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। इसके ये कुछ दिन पहले एप्लीकेशन आया, इसके 1 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं, रिव्यूज़ भी इसके 4000 रिव्यू है, इसकी जो रेटिंग है 3.3 है, के जो बहुत ही कमाल है। यानी ये इसको आए हुए 2-3 दिन होंगे लेकिन इसके 1 मिलियन डाउनलोडर भी हो चुके हैं। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने सीखना कि हम इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे अब मेन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है कि आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम जो होता है आपका, सपोज करें कि आपका नाम मोहम्मद है, आसिफ है, तो आपने यहाँ पे मोहम्मद लिखना है, नीचे आसिफ लिखना है, शुअर नेम जो होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका कंट्री है कि ये आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये बहुत कमाल का इसमें ऑप्शन है। यहां पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जहां पे आप रहते हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे मोबाइल ऑपरेटर है, यहां पे अगर आपका जैस का नंबर है, यहाँ पर एस कॉम, टेलनॉर, यू फोन, वर्ल्ड वारद सॉरी एंड जोम, यहाँ पे आप अपना नंबर देख के, उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख लेना, नंबर पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ईमेल आता है। अब एक मसला ये होता है कि यहाँ पे आपने जो ईमेल आप यूज़ करेंगे, आपने वो ईमेल यूज़ यहाँ पे करना है, अदरवाइज आप कोई भी ईमेल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करते, और मोस्टली हमें इशू होता है ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो ना आए तो उसके ऊपर एक मसला बनता है कि हम इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ जाता है, यहाँ पर पासवर्ड जो होता है यहाँ पर हम लगाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद यहाँ पर आप मेन चीज़ होती है पासवर्ड, है पासवर्ड लगाते हैं तो आपका पासवर्ड इंटर नहीं होता, बहुत से लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सपोज मैं अपना नाम सुहेल लिख लेता हूँ, सुहेल यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे सुहेल लिखने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐट द रेट यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। ऐट द रेट आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप 2-3 वर्ड जो होंगे यहाँ पर 0066 यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है, यहाँ पे अपने नाम के बाद ऐट द रेट आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड लिख देना है, यहाँ पे जैसे आप कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डू यू हैव यहाँ पे कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने येस और नो कर देना, अगर है
तो आपने यहाँ पे यस कर देना, नो है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने आईडी कार्ड का आपने नंबर लिख लेना है, आपका जो आईडी कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है ना उसके ऊपर आपने उसका आपने नंबर देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे इशू डेट आ जाता है, यहाँ पे डेट इशू लिखा है। अब यहाँ पे आपने बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि इशू डेट क्या होती है, तो इशू डेट जो होती है जिस दिन आपका कार्ड इशू होता है, यानी कि जिस दिन आपका आईडी कार्ड बनता है, आप आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है इशू डेट, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। वो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे फिल कर ली, उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा उसके बाद हमारे पास एक हमारी ईमेल के ऊपर हमारा एक कोड आएगा, हमारा ओटीपी होता है जो हमारे ईमेल पे आता है। उसके बाद हमने ओटीपी के साथ यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ईमेल पे हमारा ओटीपी आता है वो बहुत ही लेट आता है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एक दिन भी लग सकता है, दो दिन भी लग सकते हैं। और अव्वल क्या होता है कि जो ओटीपी आता है ना वो हमारा आता ही नहीं है, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आता है, मोबाइल नंबर जो वेरीफाई करते हैं मोबाइल नंबर पे जो है ना वो ओटीपी आ जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे ईमेल के ऊपर ओटीपी नहीं आता। यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, अगर आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आता तो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फाइनली दोस्त यहाँ पे कोड आ चुका है दोनों का, फ़ोन नंबर पे भी आ चुका है और ईमेल पे भी आ चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो वेरिफिकेशन होनी है यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ अपने राइट हैंड की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मेरी फिंगर आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो नो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख लेनी। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना, यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने सीख ली। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका रिव्यू और भी करेंगे, इसका प्रॉपर तरीके पे आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो जैसे अकाउंट बनाने के लिए, अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास स्क्रीन पर पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।